हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम मेडिसिन में। मैं एमडी हूँ, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर सुजोक और नेचुरोपैथ का। और आज मैं आपको जो फार्मूला बतलाने जा रहा हूँ, इस फार्मूले के ज़रिए चमड़ी की कोई सा भी रोग हो, चाहे वो दाग धब्बे हों, फोड़े फुंसी हों या ड्राई स्किन हो, किसी भी तरह की चमड़ी की प्रॉब्लम है, स्किन की कोई सी भी प्रॉब्लम है, और जो खून से जो होने वाली बीमारियाँ हैं, ये तमाम बीमारियों का ये इलाज हैगा। इसका ये कहा जाता है कि अगर कोई ब्लड कैंसर कैंसर वाला बंदा भी इसको खाता है तो उसका ब्लड कैंसर भी ख़त्म हो जाता है। ये इतना कारगर नुस्खा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गंधक साफ़ करने का तरीका बतलाया था। गंधक साफ़ करके उससे हमने घी तैयार करे थे बचे हुए दूध से, जो घी स्किन पे लगाने के लिए काम में लेने के लिए बतलाया गया था। ये गंधक साफ़ करी हुई गंधक है। ये फार्मूला जो इस तरीके से है कि ये आपको 100 ग्राम गंधक लेना है। गंधक अगर आप सीधा खाते हैं तो ये स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती है, यानी कि स्किन में एक खुजली आना चालू हो जाती है, पूरी ड्राई हो जाती है। तो गंधक को कभी भी सीधे नहीं खाया जाता है। इसके साथ में जो चीज़ें खाई जाती है, फार्मूला इस तरीके से रहेगा कि 100 ग्राम गंधक है, 100 ग्राम बड़ी हड़े, ये बड़ी हड़े इसे मैंने तोड़ा हूँ, ये इसका पाउडर मिलता है बाज़ार में, आप पाउडर ले सकते हैं, मैंने साबित लिया हूँ। 100 ग्राम बड़ी हड़े लेना है, 100 ग्राम गंधक, 100 ग्राम बड़ी हल, यह है बहेड़ा, ये बहेड़ा आपने 200 ग्राम लेना है, 200 ग्राम बहेड़ा लेना है, और 300 ग्राम लेना है सूखा हुआ आंवला। ये तीनों चीज़ें पाउडर में मिल जाती हैं, और पाउडर अगर अच्छा मिलता है, आपको भरोसा है क्या वहाँ दुकान पे प्योर मिलेगा, कोई महंगी चीज़ें नहीं है, ये तीनों चीज़ें मिलाकर के 100 रुपये के अंदर आ जाएंगी। गंधक 20 रुपये में 100 ग्राम मिलती है। अब करना ये है कि इन तीनों चीज़ों को पीस लेना है। मैं आपको यह पीस के बतलाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़क होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कूटने पीसने में। आप सीधा पिसा हुआ ले लीजिए, और नहीं तो मैं आपको पीस के बतलाता था। इस तरीके का फार्मूला, 300 ग्राम आंवला, 200 ग्राम बहेड़ा, 100 ग्राम हर और 100 ग्राम गंधक। गंधक शुद्ध करी भी लेना। शुद्ध करने का तरीका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो वीडियो मैंने बनाया था। इन तीनों को एकदम बारीक पीस लेना है, बारीक मिक्सर में पीसिए, या आप चाहे तो इमामदस्ते करना, जैसे मैंने अभी गंधक को थोड़ा सा कूट के देखा था, ये गंधक कूटा जाती है, गंधक ही बस सबसे नरम है इसके अंदर, इसके अंदर आप कूट सकते हैं। और इन सबको कूटने पीसने के बाद में इसका 3 बार चन्नी, जो अपना आटा छानने की चलनी रहती है, उससे छान करके इसका पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 3 बार छानने से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स करे बाद इसकी क्वांटिटी कैसी रखना है कि आपने जो लेना है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये चाय का जो चम्मच है वो आधा चम्मच, बस ये इतना जो हिस्सा है, ये आधा चम्मच सुबह पानी के साथ में ले लीजिए या दूध के साथ में ले लीजिए, और आधा चम्मच रात में। दोनों टाइम चाहे तो पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ में ले सकते हैं, या अगर दूध नहीं पीते हैं तो सिर्फ पानी के साथ में ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर है। इसका यह बतलाया जाता है कि अगर ब्लड कैंसर भी किसी को है और वो इस फार्मूले से खाता है तो 7 दिन के अंदर उसका ब्लड कैंसर जड़ से ख़त्म हो जाता है, या जड़ से ख़त्म नहीं भी हुआ तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाता है, और उसके जो सेल्स ख़त्म होना चालू हो जाते हैं, और उसकी जगह सब ब्लॉकेज बनना चालू हो जाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। सिर्फ गंधक की ही सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तकरीबन मेरे को 4 घंटे चले गए थे 7 बार इसको शुद्ध करने में। तो एक ही बार आपको मेहनत करना है। इतना तैयार होए बाद एक आदमी के लिए कम से कम ये 3 महीने का फार्मूला है, आधी आधी चम्मच खाना है, 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। इसके अलावा अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो गंधक का तेल बनाना बतलाऊँगा, जो स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, उसमें काम आता है। तो ये बड़ा सा आसान सा तरीका मैंने बतला दिया आपको। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।